दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पेरूमलबाडु गांव में कुछ साल पहले एक ऐसा मंदिर मिला था जो यहां के रेत में दफन था। इस मंदिर का नाम है नागेश्वर मंदिर। माना जाता है कि 1850 के आसपास जब बाढ़ के कारण गांव डूब गया था तो मंदिर भी जमीन में दफन हो गया था। बाढ़ के कारण गांव को दूसरी जगह ले जाना पड़ा, लेकिन मंदिर वहीं रहा। फिर एक ऐसा वक्त आया जब इस मंदिर के बारे में लोगों ने सुना। इस मंदिर के बारे में लोगों ने अपने गांव के बुजुर्गों से एक गायब हुए मंदिर के बारे में कहानियां सुनी थी और इन लोगों ने खुद इस मंदिर को खोजने का निर्णय लिया और इनके इन प्रयासों से यह मंदिर मिल गया। यह मंदिर एक ईंट से बना मंदिर है जो हिंदू देवता भगवान नागेश्वर को समर्पित है और इसे लगभग 300 साल पहले कोटी तीर्थम मंदिर और संगम शिवालय मंदिर के साथ बनाया गया था। मंदिर का अधिकांश भाग दबा हुआ है। इस मंदिर का आधा हिस्सा जमीन के ऊपर है और इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे है। उस समय के अधिकारियों ने यह कहा कि वे ग्रामीणों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर की और खुदाई करेंगे और इसे ठीक करने के लिए योजना बनाएंगे। वहीं आज यह मंदिर कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।